हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज का जो वीडियो है थंबनेल से आपको पता चल ही गया है कि आज मैं इस वीडियो में आपके साथ मीशो वर्सेस मिंत्रा शेयर करने वाली हूँ। तो गाइस, अभी लेटेस्ट ना मैंने मीशो का वीडियो शेयर किया था आपके साथ, कुर्ता सेट्स का अफोर्डेबल और यू नो राखी आउटफिट्स शेयर किए थे। तो उसमें मैंने ना दो ऐसे आउटफिट शेयर किए थे जो मिंत्रा पर भी अवेलेबल है, बहुत ही ज्यादा प्रीमियम रेंज में है। तो चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ कि उनमें क्या। सबसे पहले मैं मिंत्रा का आपको दिखाती हूँ। ये वारंगा ब्रांड से है एंड बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल एंड माई फेवरेट है ये। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस है। तो गाइज, ये आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से, मतलब सब कुछ सेम है। मैं आपको साथ में इसका भी दिखा देती हूँ। सी, सब कुछ सेम है, डिजाइन वगैरह एवरीथिंग, बट डिफरेंस जो है वो है, यस वो मैं बताऊंगी। ठीक है, ये आपको मिलेगा मीशो का और ये आपको मिलेगा मिंत्रा का। तो दोनों में सबसे पहले तो आप कलर देख लीजिए, ये थोड़ा सा ब्राइटर साइड पर है एंड ये थोड़ा सा लाइटर साइड पर है। एंड दोनों की जो जरी वर्क है ना, बिल्कुल सेम तो मैं नहीं कहूंगी, ये बहुत ही ज्यादा ना वैसे उसमें है, बहुत लाइट और बारीक वाला वर्क हो रखा है। ठीक है, बटन्स की भी क्वालिटी आप देख सकते हो। ठीक है, एंड इसमें आप देख लो थोड़ा सा ना थिक इन्होंने एम्ब्रॉयडरी कर रखी है। सी, ये बहुत बारीक है, थोड़ी सी हैवी है ना, मोटी है। और ये बटन्स इसके ऑलमोस्ट इन्होंने ऐसे से ही दे रखे हैं। ठीक है, एंड कलर आप देख सकते हो, ये लाइट है, ये डार्क है। ठीक है, पहले मैं आपको इसका डिजाइन वगैरह दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरीके से मिलेगा। एंड गाइज, इसको यू नो हाथ में लेने के बाद लग रहा है कि बहुत ही प्रीमियम इसका फैब्रिक है, चंदेरी सिल्क इसका फैब्रिक रहने वाला है। ठीक है, एंड 3/4 स्लीव है। स्लीव पर जो इन्होंने डिजाइन दे रखा है ना, वो कुछ इस तरीके से दे रखा है, उसमें भी सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। एंड इसमें जो लाइनिंग पार्ट है ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ गाइस। वो आपको मिलेगा प्योर कॉटन में। ठीक है, सी आप देख सकते हो, 100% कॉटन फैब्रिक है, जो चंदेरी सिल्क में ना बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। ठीक है, बैक से आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। इसमें मेरा साइज जो है वो मीडियम है एंड मीडियम मुझे परफेक्टली फिट हुआ है। एंड इसका मैं दिखाती हूँ आपको सी, इसमें मैंने ले रखा है लार्ज साइज, एंड लार्ज साइज भी मुझे टाइट है। एंड सी, सब कुछ दिखा दिया मैंने इसका। बाकी इसका जो स्लीव पर पार्ट है वो भी आपको सेम मिलेगा, डिजाइनिंग वगैरह सेम है, बट जो वर्क है ना, जो इन्होंने कर रखा है, जैसे उस पर बारीक था, इसमें थोड़ा हैवी था, वो डिफरेंस है। एंड इसमें जो लाइनिंग इन्होंने दे रखी है ना, वो क्रेप की दे रखी है। ठीक है, ये डिफरेंस है, अदरवाइज ये इतना बुरा नहीं लग रहा। ठीक है, बट हाँ ये कि साइज का आप ध्यान रखना, जैसे मीडियम उसका परफेक्टली फिट हुआ है मुझे, इसका लार्ज मुझे जो है वो भी टाइट आ रहा है। बैक से भी आपको सेम यही मिलेगा। इसका जो दुपट्टा आया है ना, हाँ दुपट्टा जो है वो आपको मिलेगा, जो फैब्रिक होता है ना ऑर्गेन्जा में मिक्स होता है वो है। एंड यहाँ पर किरण वाली लेस है, एंड ये आप देख सकते हो कि थोड़ा सा ना अनइवन सी है ना, ये आप देख सकते हो। कलर इसका थोड़ा सा डार्कर साइड पर है, एंड जो मिंत्रा वाला जो दुपट्टा है वो लाइटर साइड पर है। ये थोड़ा सा डार्क आपको मिलेगा, ये लाइट मिलेगा। ठीक है, और इसकी किरण जो है ना, जो लेस लगा रखी है, बहुत ही ज्यादा फाइन और इसमें लगा रखी है। ठीक है, इसका फैब्रिक भी बहुत क्रेप ऑर्गेन्जा है, बहुत अच्छा यू नो सॉफ्ट उसमें है। इसका तो थोड़ा सा स्टिफनेस है, बट ये भी ठीक है। बट हाँ ये कि इसकी लेस थोड़ी सी अनइवन मुझे लगी, बाकी ट्राई ऑन में आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये डिफरेंस है। अब आती है पैंट की बारी। ये आपको मिलेगा मीशो वाली पैंट, ठीक है, जो इन्होंने दे रखी है। एंड ये है आपका मिंत्रा वाली, तो आप देख सकते हैं लाइटर साइड पे है, ये डार्कर साइड पर है। इसमें भी दोनों साइड इलास्टिकेटेड बैंड है, इसमें भी लाइनिंग है। इसकी पैंट मुझे बिल्कुल फिटेड आई है, थोड़ा सा मुझे टाइट था इसकी पैंट। एंड इसमें जो लाइनिंग है ना, वो बिल्कुल स्टिच है अंदर तक मीशो वाली में ना। एंड इसमें भी क्रेप की ही लाइनिंग है। इसमें देखते हैं, इसमें जो है दोनों साइड इलास्टिकेटेड बैंड है, बहुत फाइन उसमें है। ठीक है, एंड इसमें आप देख सकते हो 100% कॉटन की लाइनिंग है। ओके, एंड बिल्कुल फिटिंग इसकी बहुत अच्छी आई है मुझे। ठीक है, आप देख सकते हो इसमें भी आपको अंदर स्टिच है पूरी, जो लाइनिंग है ना, सी 100% कॉटन फैब्रिक में है। तो गाइज, अगर आप वैसे तो ऑलमोस्ट सेम है, कलर स्लाइटली सा चेंज, हाँ दुपट्टे का मैं बोलूंगी कि दुपट्टे में डिफरेंस है कलर में। बाकी अगर आप यू नो लाइटर उसमें जाना चाहते हो, बहुत अफोर्डेबल उसमें, तो आप मीशो में जा सकते हो। बट अगर आप
सो गाइज नेक्स्ट प्रोडक्ट देखते हैं। उससे पहले मुझे आपके साथ कुछ शेयर करना था। यस गाइज, मैंने अपने लिए दो परफ्यूम्स मंगवाए हैं मामाअर्थ की। बहुत ही ज्यादा प्रीमियम रेंज के हैं एंड प्रीमियम परफ्यूम्स हैं गाइज। मतलब मैं तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स की बहुत ज्यादा फैन रही हूँ। इनफैक्ट परफ्यूम की भी, वो पिंक वाला तो वन ऑफ माई फेवरेट है। मैं यहाँ पर पिक्चर लगा दूंगी उसकी, नेम मेंशन कर दूंगी। तो गाइज ये है बहुत ही ज्यादा प्रीमियम रेंज में प्रीमियम परफ्यूम्स। तो फर्स्ट मैं आपको इसकी पैकेजिंग दिखा देती हूँ। ये मेन और विमेन दोनों के लिए ही इन्होंने लॉन्च किए हैं। तो विमेन वाले हैं ऑफ कोर्स, मैं अपने लिए विमेन वाले ही ऑर्डर करूंगी। इनटू द वैली, एंड ये है इसकी पिंक सी फेमिनिन कलर में बॉटल। गाइस इतनी क्यूट, इतनी मतलब क्यूट सी इन्होंने पैकेजिंग इस बार लॉन्च किया ना, एंड काफी बड़ी बॉटल भी है। 100 ml इसकी क्वांटिटी है। एंड गाइस इसका एक्चुअली इनका मेन जो टारगेट रहा है, इनका जो मेन फोकस रहा है ये वाले परफ्यूम्स लॉन्च करने का। वैसे तो बहुत ही ज्यादा अच्छे परफ्यूम्स हैं। एक्चुअली हमारा क्या रहता है, डे टू डे लाइफ जो हमारी ना काफी ज्यादा बिजी रहती है, उस बीच में हम लोग क्या सोचते हैं कि हमें पीस मिले, है ना, और कुछ हम लोग नेचर के करीब जाए। तो गाइज मैं ये तो नहीं कहूंगी कि बिल्कुल ही उस चीज को वो कर रहा है, बट हाँ इसको लगाने के बाद एक तो बहुत ज्यादा पीस कामफुल लगता है आपको, और दूसरा एकदम ना फ्लोरल इसके अंदर नोट्स हैं, फ्रूटी नोट्स हैं, तो नेचर के बहुत ही ज्यादा करीब हमें लेकर आता है। ये परफ्यूम इतना ज्यादा माइल्ड है, इतना डिसेंट है कि अगर आप मॉर्निंग में कॉलेज जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, या कहीं पर भी जा रहे हैं, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक जब तक आप घर आते हैं 8 to 10 hours इंटैक्ट रहता है बिल्कुल आपके कपड़ों पर। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है ये, है ना, और सभी स्किन टाइप्स को ये सूट करता है। तो गाइज इसे मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी, बहुत ही ज्यादा डिसेंट परफ्यूम है। इनफैक्ट आसपास के जितने भी लोग मेरे नियर बाय होते हैं, वो लोग मुझसे पूछते हैं, नियर बाय इन द सेंस जहां पर मैं होती हूँ, कि रजनी तुमने कौन सा परफ्यूम लगा रखा है। गाइज हाईली रिकमेंड करूंगी इसको मैं। एक तो क्वांटिटी आपको बहुत अच्छी मिल रही है। मैं आपको दूसरा वाला दिखा देती हूँ, वो है इंटू सनसेट। इसकी भी फ्रेग्रेंस बहुत ही ज्यादा अच्छी है गाइज। ये आप अपनी मदर, सिस्टर, फ्रेंड, किसी को भी गिफ्ट करना चाहे वो गिफ्ट कर सकते हैं। इस तरीके से इसकी बॉटल है, एंड इसकी ओ माय गॉड, मतलब इतनी ज्यादा अच्छी फ्रेग्रेंस है ना गाइज, मतलब सीरियसली प्यार हो गया मुझे इन परफ्यूम से ना। बहुत ही अच्छी माइल्ड फ्रेग्रेंस है, एंड फ्रूटी फ्लोरल है इसकी, एंड इसकी बिल्कुल फ्लोरल सी फ्रेग्रेंस है। सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि नेचुरल प्रोडक्ट से मिलकर बनाता है मामाअर्थ, हम सब लोग जानते हैं गाइज। और इसका अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं। तो गाइज अगर आप मेरे दिए कूपन कोड से बाय करते हैं मामाअर्थ की वेबसाइट या मामाअर्थ की ऐप से, तो आपको एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट मिलेगा, विच इज RAJ2024। स्क्रीन पर मेंशन कर रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी। तो गाइज आपको और ज्यादा डिस्काउंट पर मिलेगा। इसके साथ साथ आप अमेजन, नाइका, फ्लिपकार्ट और पर्पल से भी बाय कर सकते हैं। साथ ही साथ गाइज आपके नियर बाय स्टोर में भी अब आपको मामाअर्थ के प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे। गाइज मामाअर्थ अब तक 1 lakh tree से ज्यादा प्लांट कर चुका है, और बाय 2025 इनका जो टारगेट है, एम है, वो 1 million ट्रीज प्लांट करने का है। और कुछ भी आप बाय करते हैं ना मामाअर्थ की वेबसाइट से, तो आपके ऑर्डर को लिंक कर दिया जाता है एक ट्री से, जो कि वो प्लांट करते हैं, और आपको उसकी एग्जैक्ट जियो लोकेशन और स्पीसीज वगैरह आपकी मेल पर भेज दिया जाता है। तो गाइज इन दोनों ही प्रोडक्ट्स को मैं आपको हाई, नेक्स्ट जो है वो ये वाला है, ये है मीशो से, ठीक है, मीशो वाला इस वाले ब्रांड में था, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। एंड ये वाला जो है वो वारंगा ब्रांड से है, मिंत्रा से। तो देख सकते हो आप, इसमें भी दोनों में कलर में डिफरेंस है, ये लाइटर है, ये डार्क है। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ मिंत्रा वाला। सब कुछ सेम है गाइस, बट इसमें जो है ना कलर चेंज हुआ है, ये आप देख सकते हो, एवरीथिंग इज सेम। ये मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि तीज के उसमें आप ये ऐड करेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो सब कुछ सेम है, इसमें भी लाइनिंग आपको कॉटन की ही मिली हुई है, एंड मीडियम इसमें मेरा साइज है, ठीक है। दुपट्टा देख लेते हैं, पैंट जो है, पैंट भी बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, सेम कलर में, एंड आपको मिलेगा इसमें भी कॉटन की ही लाइनिंग, ठीक है, एंड स्ट्रेट फिट में पैंट मिलेगी। दुपट्टे का मैं आपको दिखाती हूँ गाइस, सी ये मिंत्रा का है दुपट्टा, और ये मीशो का है, ये भी लाइटर साइड पे है, ये बहुत सॉफ्ट है, सब कुछ सेम है, सिर्फ कलर डिफरेंस है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। एंड इसकी भी किरण वाली जो लेस है ना, वो बहुत वैसे तो ठीक लगी है, बट हल्का सा ना डिफरेंस ये मिलेगा आपको, जिसे आप देख सकते हो, थोड़ा अनइवन सा, ठीक है। प्राइस में भी तो डिफरेंस है ना गाइज, ये कहाँ आपको 2500 समथिंग में मिल रहा है, ये आपको 650 अराउंड 700 में। तो अगर थोड़ा सा प्रीमियम उसमें जाना चाहते हो तो डेफिनेटली मैं आपको यही वाला ही वो कहूंगी, मिंत्रा वाला ही, आप देख सकते हो। इसकी विड्थ वगैरह भी सब कुछ सेम है, ठीक है, फैब्रिक में तो ऑल ऑब्वियसली डिफरेंस आएगा ही, ये आप देख सकते हो। ये है मीशो की कुर्ती,
ठीक है, एवरीथिंग इज सेम एंड इसमें भी क्रेप की ही लाइनिंग प्रोवाइडेड है, ठीक है। इसमें मेरा लार्ज साइज दिया हुआ है एंड ये जो है पैंट, पैंट में भी सेम ऐसा ही है, ठीक है। तो गाइज वैसे तो दोनों ही ठीक है, दोनों का ही मैं रिव्यू आपको दे चुकी हूँ, अब वो आप ट्राई करिएगा, अब वो आपकी चॉइस है गाइज कि आप प्रीमियम साइड पे जाना चाहते हैं या अफोर्डेबल साइड पे। वैसे दोनों ही अच्छे हैं बट अगर प्रीमियम साइड पे जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मिंत्रा से बाय कर सकते हैं। तो दोनों को ही मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी। प्रोडक्ट्स लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और इस तरीके की वीडियोज अगर आप देखना चाहते हो तो कॉमेंट से मुझे बताना। अभी मेरे पास दो ही सूट थे इसलिए मैंने दोनों का कंपेरिजन कर दिया, बाकी नेक्स्ट भी मैं कंपेयर वीडियो डेफिनेटली लेकर आने वाली हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, चलिए बाय, टेक केयर, बाय।